दारू मैं पी रहा हूँ और नशा तुम्हें हो गया है। क्या चाहती हो? शराब के नशे में डूबे फवाद, मरियम ने फवाद की ड्रिंक को जूस से किया एक्सचेंज। फवाद ने लगाई मरियम की क्लास और मरियम का डांट खाकर हुआ बुरा हाल। जी हाँ, ये नजारा है सीरियल मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव का, जहाँ मरियम की सक्सेस की खुशी में रखी गई है एक सक्सेस पार्टी। वैसे इस पार्टी में बहुत कुछ हो रहा है। फवाद की एक्स गर्लफ्रेंड भक्ति का दिल जल रहा है, फवाद का ड्रिंक पर ड्रिंक पीने का सिलसिला भी चल रहा है। और तो और, फवाद को पूरी तरह नशे में डूबे देख मरियम फवाद की शराब को जूस से एक्सचेंज भी कर रही है। लेकिन फवाद को अपनी ड्रिंक के टेस्ट पर शक हो जाता है। तभी तो देखिए ना, फवाद ने तीसरी बार ग्लास रखने की जगह कैंडल रख दी, जिससे मरियम का हाथ जल जाता है। बस फिर क्या, फवाद मरियम को खींचकर बाहर लाता है और डांटने लगता है। क्या प्रॉब्लम? दारू मैं पी रहा हूँ और नशा तुम्हें हो गया है। क्या चाहती हो? तुम्हें और पीना है तुम्हें? और एक काम करो, वहाँ पे बैठो। कर कहीं का। आइए बिना वक्त जाया किए आपको मरियम और फवाद के पास ही लेकर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर आज फवाद ने इतनी शराब क्यों पी। उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। अभी भक्ति भी आ गई, पहले ही पार्टी उसको देनी नहीं थी, वो ओमकार अंकल के चक्कर में उसने पार्टी दी। या ये परेशान करिए, वाह वो भक्ति आ गई, तो कहा जाए। बंदा आदमी जब परेशान होता है तो थोड़ी सी पी लेता है, लेकिन फवाद में कंट्रोल नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा ही पी ली तो हाई हो गया और फिर ये आ गई वापस हाथ अपना चेंज करने। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। फवाद जरा ये बताइए कि इतनी ज्यादा शराब पीकर आप साबित क्या करना चाह रहे थे? सी मतलब फवाद को तो क्रिप करने की आदत है, बट मरियम नहीं चाहती कि अभी इतना अच्छा माहौल है, फाइनली इतने टाइम बाद घर में पार्टी हो रही है, इट्स अ गुड एटमॉस्फेयर एट होम। और जिसके लिए पार्टी रखी है यही मतलब फुल एकदम दारू पी के टल्ली हो रहा है। सो मैं वही थोड़ा ऐसे यू नो ड्रिंक्स चेंज कर रही थी, मतलब ये जो भी पी रहा था उसकी वजह मैं उसको जूस दे रही थी, बट भाई साहब ने ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द मोमेंट उसने पकड़ ही लिया एंड देन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। तुम क्या कर रही हो मरियम? मरियम क्या कर रही हो तुम? तो उसके बाद मैंने कहा, मुझे भी गुस्सा आता है कि यार एक तो पहले इसकी हेल्प कर रही हूँ ताकि यार एटमॉस्फेयर खराब करेगा, खुद की तबीयत भी खराब करेगा। अभी वो बेचारा ये बीमार पड़ा था तो मरियम का तो बेसिक कंसर्न था, बट नहीं, इसको अपना ही ईगो है, अपना ही गुस्सा है, तो और पी, तो ये लास्ट में बोल के जाती है पी और पी। खैर लगता है कि कहानी में मेजर ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि फवाद की एक्स गर्लफ्रेंड भक्ति की एंट्री हो गई है और वो फवाद और मरियम की लाइफ में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कीजिए यू म्योर टीवी की नेक्स्ट अपडेट का वेट। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।